यू वॉन्ट 90% स्कॉलरशिप इन टैलेंट टैक्स? अब बात आती है कि मैं आपको टैलेंट टैक्स में 90% स्कॉलरशिप कैसे दिला सकता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे आकाश के जो स्कॉलरशिप टेस्ट था उसमें मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली थी। कई लोग गाइज यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको 90% स्कॉलरशिप दे जाऊँगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता के, तो गाइज उनकी खुद की 90% स्कॉलरशिप उनको खुद को नहीं मिलती, वो आपको क्या 90% स्कॉलरशिप दिलाएगी। तो गाइज मैं इस वीडियो के लिए आपको पता होगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और मेरे कैसे 90% स्कॉलरशिप बनी थी। तो गाइज इस वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी लिटरली 90% स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो गाइज बिना किसी टाइम बगाए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। चलिए बात करते हैं फर्स्ट टिप की। तो गाइज फर्स्ट टिप ये है कि बुक्स फॉर टैलेंट टैक्स। बुक्स के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको NCERT पूरी ख़त्म कर डालनी है, पूरी चार्ट डालनी है, क्योंकि NCERT आपका बेस बनाती है और जो NCERT के डायग्राम्स हैं उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा याद रखने, मतलब कि रट लेने हैं आपको वो डायग्राम। फिर इसके बाद में गाइज आपको पियर्सन या फिर MTG फाउंडेशन की बुक पढ़ लेनी है, मतलब आपको इन्हें एकदम याद नहीं करना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है जिससे वो आपको थोड़ा बहुत याद रहे, मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहे। तो गाइज ये तो है साइंस की बुक की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं हम मैथ्स के लिए। तो गाइज मैथ्स के लिए मैं आपको NCERT बुक्स ही रिकमेंड करूँगा, ना RD शर्मा ना RS अग्रवाल। तो गाइज आपको क्या करना है कि आपके NCERT की बुक्स के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से समझ लेने हैं, और अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी को कैसे पढ़ना है। तो गाइज मेंटल एबिलिटी के लिए मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊँगा जो आपके सिलेबस में आएंगे उन्हें आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है और सिंपली वहाँ से पढ़ लेना है। एक चैनल है वाईफाई स्टडी के नाम से, वो बहुत अच्छे से मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स पढ़ाता है, तो गाइज आप उससे पढ़ लेना। तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे बोनस पॉइंट के बारे में। तो गाइज हमारे पास जो दो बोनस पॉइंट है इस वीडियो में, तो आप वो दोनों पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। तो गाइज हम बात करते हैं फर्स्ट बोनस टिप के बारे में। ये टिप ये है कि टैलेंट टैक्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपको सिर्फ वही करने हैं, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाओगे ऐसे सोचोगे कि मेरे को नहीं आता फिर भी मैं कर रहा हूँ मार्क्स पड़ जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपका एक मार्क्स कट जाएगा। अब बात करते हैं दो बोनस पॉइंट की, मतलब सेकेंड बोनस पॉइंट की। तो गाइस सेकेंड बोनस पॉइंट टिप ये है कि आपको जैसे कि बायो का फुल सिलेबस हो जाए, मतलब आपका बायो का फुल सिलेबस हो जाए, तो आपको टैलेंट टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपको नहीं मिले तो मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बायो का सेक्शन ख़त्म कर लेते हो, बायो पूरी पढ़ लेते हो NCERT में से, तो आपको क्या करना है बायो के जो सैम्पल पेपर है, बायो का जो सेक्शन है, सिर्फ आपको वही कर लेना है, एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेना है उसको। ऐसा ही आपको फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है और मैथ्स में करना है। तो गाइस दिस वॉज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना या फिर डिसलाइक करना वो आपके ऊपर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।